चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर 7 चल रही थी, कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे शीट नंबर 7 के भी, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। देखो शीट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा पेंडिंग है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ कौन सा है? अच्छा ठीक है, देखो इसमें इन दिस सिचुएशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं है, क्योंकि सिंपल आपको दो फोर्सेस गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। जो फर्स्ट सिचुएशन है और जो सेकंड सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या गिवन है, एक एफ फोर्स लग रही है और नीचे स्मूथ सरफेस है और स्मॉल एम को स्ट्रिंग के थ्रू हम राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑन लार्ज ब्लॉक एंड इन ए एंड बी इज ए वन एंड ए टू रिस्पेक्टिवली, आपको बताना है कि ए वन और ए टू की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो इसमें क्या होगी, ए इसकी वैल्यू जो फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है, जो फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो फोर्स टेंशन की फॉर्म में छोटे एम को मिल रही है। ठीक, छोटे एम और बड़े एम के बीच में फ्रिक्शन है नहीं है, तो बड़ा ब्लॉक किसी भी हालत में मूव नहीं कर सकता। जो बड़ा ब्लॉक है वो मूव क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, अदरवाइज तो ऊपर वाला छोटे वाला ब्लॉक उसकी सरफेस से स्लाइड करता हुआ आगे निकल जाएगा। और सेकेंड केस में भी फ्रिक्शन नहीं है, अब जो मर्जी कर लो कैपिटल एम दोनों केस में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगी। जब तक फ्रिक्शन नहीं है तब तक नीचे वाला ब्लॉक साथ में कभी मूव करेगा ही नहीं, स्लिप ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो जीरो जीरो ही रहेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसके बाद वाला क्वेश्चन ये वाला किया था टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी वाला कर लिया था, रिंग वाला, अच्छा उस वो भी कर लिया था। ओके ये रह गया अ रोप इज स्ट्रेच्ड वाला, इसको पढ़ना प्लीज। अ रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू बोट्स एट रेस्ट, अ सेलर इन द फर्स्ट बोट पुल्स द रोप विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 एंड फर्स्ट बोट सेलर हैज अ मास ऑफ 250 kg, वेयर एज द मास ऑफ द सेकेंड बोट इज डबल ऑफ दिस मास। सो इफ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स वाज 100 meter, द टाइम टेकन फॉर द बोट टू मीट ईच अदर इज इक्वल टू व्हाट? दो बोट्स हैं, एक रस्सी है और एक बोट वाला दूसरी बोट वाले को एक रस्सी से खींच रहा है, रस्सी के अंदर टेंशन आ जाएगी, टेंशन दोनों के लिए सेम रहेगी, फोर्स की वैल्यू दोनों बोट्स के ऊपर सेम लगेगी, दोनों बोट्स एक दूसरे के पास आएंगी, ऐसे होगा ना, अगर मैं और आप एक अलग अलग बोट में बैठ जाएं, मैं खींचना शुरू कर दूं, हम दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, तो फोर्स की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है। अब पहले केस में मास कितना है, 250, और एक्सेलरेशन कितनी है a1, और फोर्स कितनी है इसमें 100 100, तो पहली बोट की एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगी क्योंकि टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरे केस में वो कह रहा है फोर्स तो दूसरे केस में भी सेम लगेगी, जो बोट है इसमें दो बोट्स हैं तो टेंशन की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली कितनी है, 100 100 न्यूटन है, तो फोर्स तो सेम लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका जो मास है वो कह रहा है डबल है, डबल का मतलब 500 है, एक का अगर 250 है तो दूसरे का 500 है, तो इसकी एक्सेलेशन यहां से आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 250, और इसकी एक्सेलेशन A2 की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 500। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि ये एक्सेलेशन की वैल्यू आ जाएंगी दोनों की, जो कि डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों के मास डिफरेंट है। ठीक है यहां तक, तो A1 और A2 आ गया 0.4 एंड 0.2 जो भी आना है। आपको क्या करना है, आपको टाइम बताना है दोनों एक दूसरे को कब कैच करेंगे, एक दूसरे को दोनों बोट्स कब टच करेंगी। तो जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगी तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, एस है, और एस की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर गिवन है। तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 100, और इनिशियल वेलोसिटी इनकी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि इनिशियली दोनों बोट्स किस पे पड़ी हुई थी, एट रेस्ट, और ये 100 मीटर का डिस्टेंस एक बोट ने कवर नहीं किया, दोनों ने कवर किया,
सच दैट अगर एक बोट इधर आ रही है विद ए वन तो दूसरी बोट इधर जा रही है विद ए टू, तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगी वो रिलेटिव होगी, दैट इज ए वन प्लस ए टू, दोनों एक दूसरे के जो है जो है 100 मीटर का डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर किया, दैट इज ए वन प्लस ए टू, और इन टू टाइम टेकन इज टी का स्क्वायर। ए वन एक्सेलरेशन एवरेज क्यों होगा, तू 10 की एक्सेलरेशन मेरी तरफ आ रहा है, मैं 2 के साथ जा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो सड़क का डिस्टेंस दोनों इकट्ठे कवर करेंगे विद 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक? तो इस केस में इसको एक्सेलरेशन a1 a2 वैल्यू पुट कर लेना और टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि सॉल्व करके 18.3 सेकेंड आ रही है। बट मेथड क्लियर है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे ये ना ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं और मिलकर 100 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन ही कंसिडर करनी है उस केस में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन दोनों की मिलकर कितनी होगी ए वन प्लस ए टू। ओके ठीक है यहाँ तक भाई? पॉइंट मास है, पॉइंट मास है मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 है, मतलब उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि बोट की शेप ऐसी है उसकी टिप क्रॉस हो जाए। क्यों नहीं करेंगे? देखो ना पॉइंट है ना, आप फिर समझो, बोट को छोड़ दो, ये दोनों एक दूसरे को मान लो ये 100 मीटर पार्ट है ऐसे, जब ये दोनों फाइनल डायग्राम बनेगा तो फाइनल डायग्राम ऐसा बन जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से है तो टोटल डिस्टेंस 100 हो जाएगा। ये असाइनमेंट किसके पास नहीं है जो चल रही है अभी? एक मिनट, ये असाइनमेंट, एक मिनट प्रतिमा, दो असाइनमेंट्स निकली हैं, एक की 4 कॉपीज निकली हैं, बाकी की 25 निकली हैं, तो ये जो असाइनमेंट चल रही है पहले तो वो 3-4 कॉपीज एक एक दे दो, जिसका पहला क्वेश्चन है ये कौन सी असाइनमेंट चल रही है? 7th ना, तो 7th की तो 4-5 कॉपीज ही हैं सिर्फ, मुझे लगा शायद 4-5 स्टूडेंट लाए होंगे, निकाल ली दे दो, और फिर उसके बाद 8th देनी है मेन, तो आज की असाइनमेंट 8th है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया था, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया था, नहीं हुआ ये वाला कि इफ ए ब्लॉक ए एंड बी आर मूविंग, नहीं हुआ? ओके करो फिर, इफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, अब ये वही सेम सिस्टम है, याद है स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल वाला लास्ट टाइम किया था, हॉरिजॉन्टल है तो नीचे आने ब्लॉक की एक्सेलरेशन डबल हो जाएगी, लगाओ जरा इसमें चेक करके देखो, 8th मिल गई असाइनमेंट आज की, 8th मिल गई, 7th का क्वेश्चन नंबर 10th करना पहले, 7th का क्वेश्चन नंबर 10th, डबल होगी 2 into a plus b,
हाँ ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही। देखो इसमें एक बात बताओ, जो नीचे की स्ट्रिंग है वो, क्योंकि जो ए और बी ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक की एक्सेलेरेशन स्मॉल ए है तो दूसरे की बी है, तो नेट एक्सेलेरेशन जिससे कि नीचे वाली लेंथ कवर हो रही है वो कितनी है, ए प्लस बी, और ऊपर से भी जो लेंथ है वो भी ए प्लस बी, ठीक ऐसे ही है। मतलब अगर मान लो अगर ये वॉल होती, जैसे इसमें तो बी ब्लॉक गिवन है, ये बी ब्लॉक गिवन है और ये ए ब्लॉक गिवन है, ठीक, एंड लेट अस सपोज ये एक पुली, पुली से इधर एक और पुली, और सच दैट ये एक और पुली, एंड ये ऐसे अटैच्ड है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये वॉल होती, ये मूव ना करता, मूव नहीं कर रहा, हमने ऐसे क्वेश्चन दो पहले भी किए थे, लास्ट टाइम भी किए थे, अगर ये मूव नहीं करता और ये मूव करता विद एक्सेलेरेशन ऑफ ए इस तरफ, तो हमने क्या किया था, इसकी एक्सेलेरेशन ए है, यहाँ से भी ए है, तो कुल मिला के 2a, मतलब ये लेंथ x छोटी होगी, ये x छोटी होगी तो 2x होगा, तो ये 2x नीचे जाएगा, तो एक्सेलेरेशन के अंदर भी सेम रूल किया था, अगर ये a के साथ जा रहा है, ये a के साथ आ रहा है, तो टोटल एक्सेलेरेशन c ब्लॉक की 2a हो जाती थी, लेकिन इसमें ये भी मूव कर रही है, तो ये जो लेंथ है ये कवर होगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ a प्लस b, और ये भी a प्लस b, तो इसकी एक्सेलेरेशन a प्लस b, इसकी एक्सेलेरेशन a प्लस b, तो इसकी तो डबल होनी होनी है क्योंकि लेंथ जो है ऊपर और नीचे दोनों से लूज हो रही है, तो इसकी एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ क्या होगी, 2 इंटू ए प्लस बी। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो c ब्लॉक नीचे आएगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी। मैं फिर कह रहा हूँ अगर b ब्लॉक मूव ना करता तो b क्या हो जाता, 0 0, तो आंसर क्या आ जाता, सिर्फ 2a, ऐसा किया ही था हमने। अब बी भी मूव कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है, तो नेट एक्सेलेरेशन एक दूसरे की तरफ ए प्लस बी, ऊपर से भी ए प्लस बी, तो इस ब्लॉक की डबल हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब इसके पीछे क्या लगेगा, माइनस जे कैप लगेगा, और ये ब्लॉक साथ के साथ आगे भी आ रहा है, तो आगे आने का मतलब ए एक्सेलेरेशन के साथ आ रहा है, क्या लगेगा, आई कैप, तो आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में एक्सेलेरेशन होगी, तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऐड कर दो वेक्टर सम है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए, ठीक है यहां तक। लास्ट क्वेश्चन हो गया था कि पेंडिंग है, पेंडिंग है, अच्छा ठीक है ओके, ये करो फिर। तो इसमें ब्लॉक है, इसमें जो है इंक्लाइन प्लेन है, ब्लॉक है, स्ट्रिंग है, और जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है, बताने अब ब्लॉक बी एज अ मास एम एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट व्हेन इट इज ऑन द टॉप ऑफ द वेज ए व्हिच हैज अ मास 3m, फाइंड द टेंशन द कॉर्ड सी डी टू होल्ड द वेज फ्रॉम मूविंग व्हाइल बी इज स्लाइडिंग डाउन ए। बस ये है कि टेंशन टी इसमें हो जाएगी, आपको टेंशन बतानी है कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो मूव ना करे, मूव नहीं कर रहा ना, टाइट हो जाएगी ना स्ट्रिंग, जब ब्लॉक नीचे उतरेगा तो इंक्लाइन प्लेन पीछे चला जाएगा, तो पीछे चला जाएगा, पीछे जाएगा तो टेंशन आ जाएगी, तो टेंशन क्या होगी, सी है इसमें, तो साइन 2 थीटा कर लेना करेक्शन, सी ऑप्शन में एम जी बाई 2 इंटू साइन थीटा है क्या, साइन 2 थीटा करना प्लीज, अच्छा ठीक है यही ऑप्शन है फिर इसका, हाँ।
सी इंक्लाइन प्लेन है, टेंशन टी है, इंक्लाइन प्लेन मूव तो करेगा नहीं क्योंकि लेफ्ट और राइट की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगी। लेफ्ट की फोर्स तो साफ पता है टी है, राइट की फोर्स निकालनी पड़ेगी। राइट की फोर्स के लिए नो डाउट ये नीचे आ रहा है और ये जो वेज है, और जब ये नीचे आ रहा है ये वेज रेस्ट पे है तो इसका वेट कितना है mg, mg का एक कॉम्पोनेंट mg cos mg sin, mg sin इसको नीचे लेके आ रहा है और एक कॉम्पोनेंट mg cos का इस तरफ लग रहा है। कितना? अगर ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो वेट का एक कॉम्पोनेंट यहाँ ऐड करेगा mg cos थीटा का, यहाँ ऐड करेगा जो कि इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, पर क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस वजह से जो वेट का ये वाला कॉम्पोनेंट है mg cos थीटा का भी cos 90 माइनस थीटा जो कि क्या हो जाएगा sin थीटा, तो ये राइट की फोर्स है जो कि वेज के ऊपर लग रही है। और किसकी किसकी वजह से लग रही है? छोटे मास m ब्लॉक की वजह से लग रही है। तो ये वेज क्योंकि मूव नहीं कर रहा, इसकी अपनी तो कोई फोर्स नहीं, ये तो बस खड़ा हुआ है, इसके ऊपर छोटा m मूव कर रहा है, अपनी तो कोई फोर्स ही नहीं है इसमें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो कुछ है नहीं। तो राइट और लेफ्ट की फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो इंक्लाइन प्लेन किस पे रहेगा? एट रेस्ट। तो इसमें राइट की फोर्स कितनी है? mg cos थीटा into sin थीटा, और लेफ्ट की फोर्स कितनी है? t। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो दिस इज द आंसर, टेंशन की वैल्यू आ गई। इसमें कोई सूडो फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि ट्रायंगल मूव ही नहीं कर रहा, इंक्लाइन प्लेन मूव ही नहीं कर रहा। क्या दिखाना तो पड़ता है हमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, असाइनमेंट नंबर कौन सी है? 8 स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट यहां से काफी क्लियर हो जाते हैं। एक ये असाइनमेंट है, इसके बाद एक और असाइनमेंट है फ्रिक्शन की, दो असाइनमेंट्स और है, बहुत बढ़िया असाइनमेंट्स हैं, अभी आपको अंदाजा हो जाएगा इसका। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से, और उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद सर्कुलर मोशन, मे बी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर। और जैसे ही वर्क पर खत्म होगा विल बी स्टार्टिंग विद वर्क पर, तो एक चैप्टर पीछे रखेंगे इसे। ठीक, करो जरा फर्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम क्लियर है? इंक्लाइन प्लेन है, कैपिटल एम है,
इसके ऊपर स्मॉल एम है, कैपिटल एम स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, स्मॉल एम इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, ये इसका नाम ब्लॉक का ए है और ये बी है, तो इसमें म्यू गिवन है, म्यू गिवन है और स्मॉल एम कैपिटल एम गिवन है, देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड द प्लेन, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। इफ द सिस्टम ए प्लस बी इज रिलीज सो दैट इज देर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, कह रहा है ये नीचे आ रहा है पूरा सिस्टम पर ये आपस में स्लाइड नहीं कर रहे, चिपके हुए हैं, इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, कहने का मतलब फाइंड इंक्लिनेशन थीटा, आपको थीटा निकालना है। सबसे पहला मैंने आपको हिंट दिया भी, आप इसमें सूडो फोर्स के साथ ही करना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि कैपिटल एम खुद तो नीचे आ रहा है, कैपिटल एम के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी होगी उसके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी। तो अगर कैपिटल एम खुद नीचे आ रहा है विद ए इस तरफ, तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, एम इंटू ए पीछे की तरफ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, नहीं लगेगी? वो तो लगेगी लगेगी, सूडो भी तो लगेगी, कैपिटल एम नीचे एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसके ऊपर जो भी चीज रखोगे वो ऊपर क्यों नहीं जाएगी? अच्छा अगर मान लो बहुत 10 किलोमीटर लंबा इंक्लाइन प्लेन है, बहुत पता नहीं आसमान से नीचे आ रहा है बिल्डिंग से, अब दो ब्लॉक्स को रखो सेपरेट नहीं हो जाएंगे, इकट्ठे आएंगे हमेशा? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक ब्लॉक बाद बहुत तेज से नीचे आ रहा है नीचे वाला और एक ऊपर कोई चीज रखी हुई है तो सेपरेट तो होगी ना बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, ठीक कर रहा हूं, तो सूडो फोर्स इसमें होगी। ठीक, अब स्मॉल एम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, स्मॉल एम का सिर्फ, तो ये स्मॉल एम है, इसको एक फोर्स तो लग रही है इस तरीके से, कितनी, एम ए, एम ए, और यहां पर फ्रिक्शन है। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये एम ए है तो एम ए के दो कॉम्पोनेंट्स निकल के आएंगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का एंगल भी कितना है, थीटा, थीटा, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा ही बनेगा, तो कहने का मतलब ये एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, तो सूडो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट होगा एम ए साइन थीटा। ठीक है यहां तक, और साथ में इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, एन भी लगेगा छोटे एम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और इसका खुद का वेट कितना है, स्मॉल एम जे। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसमें एक वेट लगेगा इसमें स्मॉल एम जी, इसके अंदर सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, और मैं ये कंपोनेंट ले क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे को, मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड ना करे, और स्लाइड ना करे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही बचा सकती है, फ्रिक्शन ही बचाएगी। तो सबसे पहली चीज, इसको कौन, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा इसको कौन इस तरफ लेके जाएगा, एम ए कॉस थीटा, तो स्लाइडिंग में हेल्प कौन कर रहा है, एम ए कॉस थीटा, तो कौन बचाएगा इसे स्लाइड करने से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, इस तरफ, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली ये यहां स्लिप होने की कोशिश करेगा विद एम ए कॉस थीटा, लेकिन कौन बचाएगा इसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वर्टिकल फोर्सेस में कोई चक्कर नहीं, वर्टिकल फोर्स तो इक्वली होंगी बिकॉज इकट्ठे ही साथ आ रहे हैं, तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, लिफ्ट वाला जैसे केस करते थे हम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, डायग्राम क्लियर है? एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, तो ऊपर की फोर्स कितनी है, एन प्लस एम ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितना, एम जी। नॉर्मल रिएक्शन, इसका अपरेंट वेट, इसका एक्चुअल वेट तो एम जी है ना, हाँ नहीं है ना वर्टिकल प्लेन मोशन, तो एक मिनट, नहीं है ना वर्टिकल प्लेन मोशन, तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स, एक वेट कर रहा हूं मैं, एन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन ही होगा, अगर नॉर्मल रिएक्शन ही होगा तो बॉडी अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगी, मतलब एन लू ये भी लू। अच्छा आप कह रहे हो यही नॉर्मल रिएक्शन है, आप कह रहे हो एन इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा होगा, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो ठीक है, ये लिफ्ट है, एक लिफ्ट में ब्लॉक पड़ा हुआ है, लिफ्ट के ऊपर एक सूडो फोर्स लग, इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लग रही है कितनी, एम ए, ये एम जी, क्यों लग रही है सूडो फोर्स, क्योंकि ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे, तो यहां पर एन है, तो हम क्या करते थे, एन प्लस एम ए इज इक्वल टू कितना, एम जी, तो
तो एन इज इक्वल टू क्या करते थे, एम जी माइनस एम ए, ये लिफ्ट वाला ही तो केस है, बस लिफ्ट हमारे केस में नीचे आती थी, इसमें लिफ्ट इस तरफ आ रही है, तो कैपिटल एम लिफ्ट ही है मान लो, तो लिफ्ट वाला केस ही बनेगा इसमें भी, तो समझ में आ रहा है। तो ये वर्टिकल सेपरेशन तो होगी नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सॉल्व करके यहां से क्या आएगी, एम जी माइनस एम ए इंटू साइन थीटा, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई यहां पे, कोई डाउट इसमें, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। मैंने क्या बताया था कि अगर आप चाहते हो कि सेपरेशन ना हो तो इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एम ए कॉस थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या तो बराबर हो या बड़ी हो, तो ये स्लाइडिंग नहीं होगी इनकी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए इंटू कितना, कॉस थीटा, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस एम ए इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए इंटू कितना, कॉस थीटा। तो यहां से एम 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 कॉमन निकाल के कैंसिल, तो यहां से म्यू इंटू जी माइनस म्यू इंटू ए इंटू साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू ए इंटू कितना, कॉस थीटा, या फिर म्यू इंटू जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए कॉमन आ गया, क्या बना, म्यू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हमने इसमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू, मैंने इसमें पुट की एक्सेलेरेशन की वैल्यू ए, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी क्या इसमें, जी साइन थीटा, क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है और इंक्लाइन प्लेन के जब नीचे आते हैं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या ली जाती है, जी साइन थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है वहाँ वहाँ पुट करो जी इंटू साइन थीटा इंटू म्यू इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जी से जी भी क्या हो गया, कैंसल, इसको ओपन करो, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई करो और चेक करो इसका म्यू का आंसर क्या आ रहा है, एम जी एम प्लस एम इंटू जी साइन थीटा, ठीक। तो यहां से कॉमन निकाल लो म्यू, तो म्यू जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो म्यू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा। तो म्यू कम से कम कितना होना चाहिए, टैन थीटा, तो म्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टैन थीटा तो स्लाइडिंग नहीं होगी इसमें, ठीक। हाँ, थीटा इज टैन इनवर्स म्यू, ठीक। लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, फिर क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ।
देखो इसमें सबसे पहले इसमें क्या गिवन है कि ये एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, यहाँ पर एक और मास है स्मॉल एम है, पुली लगी हुई है यहाँ पे, और ये एक सिस्टम है। ये टोटल लेंथ इसकी कितनी अरेंजमेंट की, एल है। ठीक, फ्रिक्शन है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे तो फ्रिक्शन है। ठीक, दो सर्फेसिस के बीच में देयर इज सम फ्रिक्शन, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितनी होगी। यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक कितनी होगी। पहले मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन तीनों ब्लॉक्स की, दैट इज ये सी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है, एक्सेलरेशन ए बी सी की सेम होगी या डिफरेंट होगी? बाकी तो बाकी बात है, कितने लोग बोलते हैं डिफरेंट होगी। ओके, बोलो फिर। अगर मैं ये बोलता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन ए है तो बी की राइट की एक्सेलरेशन क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। मेरा आंसर दो फिर, देख लेते हैं। अगर ये ए के साथ नीचे आ रहा है, बी और ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है ना, सी को छोड़ो तो स्ट्रिंग टाइट है, तो बी को आना ही पड़ेगा ना टुवर्ड्स राइट। अब वो ये तो नहीं कह सकता मैं स्लो आऊंगा, स्ट्रिंग तो टाइट है, तो एक्सेलेरेशन विल रिमेन सेम। तो बी की एक्सेलेरेशन और इसकी एक्सेलेरेशन सेम है ना, कम से कम। उनकी अपनी इंटरनल फोर्सेस हैं यार। अब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं ये आप हो लटकते हुए, ये मैं हूं और मैंने एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ा हुआ है और ये मुझे कह रहा है कि सर मैं ए के साथ नीचे गिर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो सेम एक्सेलरेशन नीचे नहीं गिरूंगा क्योंकि मैंने उसको पकड़ा हुआ है। वो कहेगा पकड़ा हुआ मेरे को क्या, मैं दोनों को खींच लूंगा, एक्सेलरेशन तो दोनों की फिर उठा के सेम ही कर दूंगा ना। अब ये तो नहीं होगा ना कि इसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी, इसकी डिफरेंट होगी। ये तो बी, ये बी देखिए यार, उसने सी को खींचना है कि नहीं खींचना, इन दोनों की अलग प्रॉब्लम है। इन दोनों के हिसाब से अगर ये ए के साथ मूव करता है और स्ट्रिंग अगर टाइट है तो बी को राइट मूव करना ही पड़ेगा, फिर सेम एक्सेलरेशन ए, और कोई तरीका ही नहीं है। कम से कम इन दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम होगी, सोच लो, सोच लो। नहीं होगी अभी भी, छोड़ो, मैं नहीं डिसाइड कर पाया, छोड़ दो। मेरे को समझ में नहीं आया मुझे क्या करना था, कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं बचेगा तो कंस्ट्रेंट तो बचेगी, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर सपोज ये कितनी है, L1 है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर ये कितनी है, L2 है। अब हर हालत में ये मत बोलना कि L1 प्लस L2 कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये तो अब सेम ही रहेगा। रस्सी की लेंथ छोटी बड़ी तो नहीं कर रहा, दो बार डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पर क्या आएगा, A1 प्लस A2 इज जीरो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में A1 इज इक्वल टू माइनस A2, तो मैग्नीट्यूड में इसकी एक्सेलरेशन सेम है। कंस्ट्रेंट तो फॉलो करो, अब तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन सेम है किसकी, वो तो इसलिए आ रही है वो इस तरफ है और ये नीचे की तरफ है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड तो प्रूव कर ही सकता है ना ये, और कुछ करे ना करे, पर इतना मुझे, मैं सोच नहीं सकता था कि ये क्वेश्चन भी बनेगा, मैं तो वैसे पूछ लिया था सेम है कि नहीं। तो अगर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ मास लगाता भी हूँ, आप मुझे ये कह सकते हो कि सर ये पूरा सिस्टम तेज नहीं मूव करेगा क्योंकि इसने इसको भी खींचना है। आप ये कहो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन ये मत कहो कि एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी।
अगर आप एक और मास और रखो, दो रखो, तीन रखो, आप ये कहो कि अब ये स्लो मूव करेंगे, अब ये नहीं कहो कि ये अलग अलग एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इसकी अगर ए है तो इस बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ कितनी होगी, ए ही होगी, लेकिन अब सी की एक्सेलरेशन इस तरफ उल्टी होगी, रहेगी वो भी सेम। अब अगर कहोगे सर सेम कैसी रहेगी, फ्रिक्शन प्रेजेंट है जी, तो ये बोल लो कि एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम की कम हो जाएगी, ये ना बोलो कि ये 10 के साथ मूव करेगा और ये 1 के साथ, फिर तो यार रस्सी या तो टूट जाएगी अगर कोई स्लो मूव कर रहा है, तेज मूव कर रहा है, और अगर सब सिस्टम इकट्ठा मूव कर रहा है तो एक्सेलेरेशन दो बॉडीज की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। हाँ हो रही है सी की, इस चीज का आंसर दो फिर। सपोज फोर्स एफ फर्स्ट ब्लॉक कैपिटल एम, सेकंड छोटा एम, स्मॉल एम, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, एक्सेलेरेशन क्या होगी? अच्छा चलो फ्रिक्शन दो मिनट के लिए पहले नहीं लेते, एक्सेलेरेशन क्या होगी? सेम क्यों, स्ट्रिंग चेंज कर दी मैंने, तुमने कहा था स्ट्रिंग चेंज करोगे तो एक्सेलेरेशन डिफरेंट, स्ट्रिंग चेंज करोगे तो टेंशन डिफरेंट ले लेना, स्ट्रिंग चेंज करने से एक्सेलेरेशन डिफरेंट मत लेना, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिस्टम तो इकट्ठा ही मूव कर रहा है। आप कहोगे सर इसके ऊपर एक और रख देते हैं, रख दो एक और, रख दो फ्रिक्शन, रखते जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम स्लो हो जाएगा थोड़ा सा पर सिस्टम की एक्सेलेरेशन विल रिमेन सेम। अब इमेजिन कर लो इसको पुली से आपने इधर घुमा दिया तो डायग्राम वही बन गया सेम, बात तो एक ही है, वो घुमा रहा है वो लीनियर है, वो अलग डिफरेंट है। हाँ नहीं फोर्सेस के बारे में अभी बात नहीं करनी, पर एक्सेलेरेशन तो क्लियर होगी पहले। आपका जो पॉइंट है ना वो टेंशन से आप बताओगे, आप कहोगे सर टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, आप ये कहो कि जो सेकेंड ब्लॉक है वो ठीक तरह मूव नहीं करेगा जी, नहीं करेगा तो ठीक है टेंशन बढ़ जाएगी, और टेंशन बढ़ेगी स्ट्रिंग टूट जाएगी, इट मेक्स सेंस। टेंशन और फोर्स में बात करो, एक्सेलेरेशन में बात नहीं करो। अब एक काम करो, सबकी एक्सेलेरेशन ए लेके फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका मैं हिंट दे रहा हूं, टेंशन टी एन टी, टेंशन टी डैश, पहला रूल टेंशन डिफरेंट करो,
फ्रिक्शन लोगे, इसमें इसमें ऊपर नीचे लोगे, और फ्री बॉडी डायग्राम से तीन इक्वेशन बनाओ और तीनों को सॉल्व करो, ए आएगा। सी की नेट एक्सलेशन वो क्यों, टू ए क्यों, हम क्यों लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो अकेला अकेला करेंगे। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और चेक करो आंसर क्या आएगा। हाँ, बड़ा आंसर है इसका। तो अब अगर B और A का, पहले A का बनाते हैं, A का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं A का, तो A का मास कैपिटल M है, तो वेट कितना है, कैपिटल Mg है। टेंशन लेट अस सपोज यहाँ पर T एंड T है, तो यहाँ टेंशन T डैश एंड T डैश है, तो यहाँ का वेट कितना है, कैपिटल Mg है, तो ये कैपिटल Mg और ऊपर क्या बन गया, T, और ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। तो एक तो ये डायग्राम बन गया, इक्वेशन साथ ही बना लेते हैं, तो कैपिटल एम जी माइनस टी इज कैपिटल एम इनटू ए, इक्वेशन नंबर वन। ठीक, नेक्स्ट बी का डायग्राम बना लेते हैं। बी का जो डायग्राम है, बी ब्लॉक का डायग्राम, ये लेट अस सपोज स्मॉल एम है, और लेट अस सपोज ये टेंशन टी है राइट की तरफ, और यहाँ पर इसके ऊपर फ्रिक्शन भी, ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगी, क्योंकि जब ब्लॉक, ये ब्लॉक जब इधर जा रहा होगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगी, और जब ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगी, तो इसकी फ्रिक्शन इधर, तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, इस तरफ, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो इस तरफ एक्ट करेगी एफ, और यहां पर एक और फोर्स एक्ट कर रही है वो है टी डैश, तो यहां पर टेंशन क्या एक्ट करेगी, टी डैश। ठीक है यहां तक, तो टेंशन इज टी डैश, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये टी, टी डैश और एफ, और ये कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। इक्वेशन बना लें, टी माइनस टी डैश प्लस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, टी माइनस टी डैश प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, और नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, स्मॉल एम जी, ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से होगा। तो यहां पर टी माइनस टी डैश प्लस म्यू टाइम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, इक्वेशन नंबर टू। फ्रिक्शन जो बी ब्लॉक है, सी का लग रहा है, मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है यार, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, छोटा एम जी, फ्रिक्शन तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा कर रहा हूँ। मतलब ये तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देख तू, कि अगर एक ब्लॉक है एक दो तीन, M1, M2, M3, मैं पूछ रहा हूं यहां नॉर्मल रिएक्शन कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी, यहां कितने है, M2 प्लस M3 इंटू जी, यहां कितने है, M3 जी, तो मैं पूछ रहा हूं यहां कितने है, तुम बोल रहे हो 2M इंटू जी, समझ गया ना क्या पॉइंट पूछ रहे हो। तो इसमें, अब इस केस में नॉर्मल रिएक्शन तो यही रहेगा, सेकेंड इक्वेशन क्लियर है। थर्ड इक्वेशन स्मॉल एम, थर्ड स्मॉल एम, स्मॉल एम के लिए छोटा एम,
यहां पर टेंशन कितनी, टी डैश, स्मॉल एम इस तरफ जा रहा है और फ्रिक्शन कहां ऐड करेगी, इस तरफ, तो टी डैश माइनस एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, टी डैश माइनस म्यू टाइम स्मॉल एम जी इज इक्वल टू एम इन टू ए, इक्वेशन नंबर थ्री। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तीनों इक्वेशन को तो नोट कर लेना एक्सेलरेशन सॉल्व करके आ रही है कैपिटल एम टू म्यू एम बाई कैपिटल एम प्लस टू एम इन टू जे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक। और एक्सेलरेशन की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देना, टेंशन भी नोट कर लो, टी की वैल्यू आएगी टू एम कैपिटल एम जी इन टू वन प्लस म्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस टू एम, तो ए भी आ गया और टी भी आ गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं सिस्टम को हमने रिलीज कर दिया, एल लेंथ ऑफ द प्लैंक है, अब कोई टाइम टाइम लगेगा छोटे एम को यहां से यहां आने में, और टाइम के साथ ये क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो ये जब मूव करेगा तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा जब एल लेंथ कवर कर लेगा, आपको बताना है कि वेलोसिटी सी की क्या होगी जब वो एंड ऑफ द प्लैंक पे आएगा, यहां पर आएगा, रादर इसने वेलोसिटी पूछी है, आप इसमें नोट करो फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक सी विद रिस्पेक्ट टू बी, प्लीज इसमें करेक्शन करो, आपको इसमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी कर लो, इसमें लिख लो करेक्शन, फाइंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड द स्पीड ऑफ सी, ब्लॉक सी है ना, रिलेटिव लिख लेना, ऐसे लिख लेना फाइंड स्पीड ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि वो बी के विद रिस्पेक्ट टू ही आंसर आएगा, ठीक, तो वो भी था, हाँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी होना चाहिए बिकॉज बी जो है वो साथ के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि जो एल लेंथ कवर होने वाली है ना, एल लेंथ वो रिलेटिव कवर होने वाली है, तो आंसर रिलेटिव सी आएगा, जैसे हाँ, तो इसमें अब चेंज होएगी, तो इसमें अब टू ए लेनी पड़ेगी, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, तो मैं अप्लाई करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू कितना एस, वी इसमें यूज करेंगे रिलेटिव, यू भी यूज करेंगे रिलेटिव, ए यूज करेंगे रिलेटिव और एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, लेंथ एल, दोनों मिलके एल लेंथ कवर कर रहे हैं, और अगर दोनों मिलके एल लेंथ कवर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक, तो वी रिलेटिव की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, यू रिलेटिव तो जीरो, सिस्टम रेस्ट पे था, टू इंटू ए रिलेटिव क्या होगा, टू ए, टू ए क्यों, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है और इधर जा रहा है तो दोनों मिलकर टू ए एक्सेलरेशन से एल लेंथ को कवर करने वाले हैं, और वी रिलेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां से v रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 इंटू ए इंटू एल, और एक्सेलरेशन जो a की वैल्यू है वो यहां से उठा के आप यहां पुट कर लेंगे, तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, a तो निकाला हुआ है ना, तो a को उठा के यहां पुट करेंगे, तो रिलेटिव v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। और लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल एम इज टू म्यू एम, लास्ट पार्ट है इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज लेस देन सम क्रिटिकल वैल्यू, कह रहे ए इतना बड़ा है ही नहीं कि वो खींच पाए सिस्टम को, खींच ही नहीं पाया, ठीक, अब उस केस में द ब्लॉक विल नॉट एक्सेलरेट, आपको क्रिटिकल मास कैपिटल एम बताना है कितना होना चाहिए कि ये इसे खींच ना पाए, कब मीन ज्यादा मास क्या होगा, ऐसे केस में एक्सेलेशन क्या हो जाएगी, जीरो, टेंशन तो होगी, टेंशन पर एक्सेलेशन नहीं होगी, तो एक्सेलेशन जीरो करके यहां से कैपिटल एम की वैल्यू क्या आएगी, टू म्यू, आंसर, बस ए को जीरो कर दो, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, ठीक है यहां तक,
सो ये पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, ये मूव करा ही नहीं पाया, पर ये मत बोला यार टेंशन जीरो है, क्योंकि स्ट्रिंग तो खिंची होगी ना, पर मूव नहीं कर पाए, तो टी को जीरो नहीं करना, ए को जीरो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक बड़ा ब्लॉक है, ये एक बड़ा ब्लॉक है सच दैट सी, और यहां पर एक पुली एंड यहां पर एक मास कैपिटल एम,
यहाँ पर एक और मास स्मॉल m, और ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है विद a, और ये b मास है और ये a मास है, तो ऑब्वियसली यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी, T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, T, ठीक है यहाँ तक? आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ओवर विच ब्लॉक C इज प्लेस्ड इज स्मूथ, तो यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है नीचे, एंड फॉर ऑल दी अदर सर्फेसेस वो कह रहा है फ्रिक्शन है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन है, दोनों में फ्रिक्शन है, और सच दैट कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है इसमें, म्यू है, दोनों जगह फ्रिक्शन है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन बतानी है जिससे कि ये ऊपर नीचे जाएंगे, तो मीन्स अगर मैं ये मानता हूँ कि ये नीचे आ रहा है विद ए तो ये ऊपर जाएगा विद ए, ठीक, और पूरे सिस्टम को हम ए के साथ मूव करवा रहे हैं तो इनके ऊपर क्या लगेगी, सूडो फोर्स कहाँ, पीछे एम ए, ठीक है ना, तो एक दूसरे को दबाएंगे पीछे की तरफ विद एम ए, एंगल तो जाएगी हॉरिजॉन्टल है, सी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है थोड़ा बहुत पीछे जाएगी, नहीं जाएगी, अच्छा इसमें ये भी तो गिवन है सच कि ब्लॉक ए एंड बी रिमेन स्टेशनरी, आई एम सॉरी इसमें ये गिवन नहीं है, वो कह रहा है ये रेस्ट पे ही रहने चाहिए, अदरवाइज नीचे गिर सकते हैं, पर वो ये कह रहा है कि इतनी तेज मूव करवाओ कि ये सिस्टम रेस्ट पे ही रहे, तो टू ए हो जाएगी वो, तो फिर टू ए हो जाएगी, फिर तो सी की जो तो राइट की तरफ है इनके ऊपर नीचे है, कैसे होएगी, तो इस केस में वो कह रहे हैं कैलकुलेट मिनिमम एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद विच दिस सिस्टम शुड बी मूव टू द राइट सो दैट सस्पेंडेड ब्लॉक्स ए एंड बी कैन रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी के मुकाबले जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े रहे, इसका आंसर कितना आ रहा है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई म्यू टाइम्स 3m प्लस कैपिटल m इंटू जी। चलो देखो इसमें स्मॉल m मास है इसका, ये a है और ये b है, तो एक काम करते हैं पहले a के लिए स्मॉल m और ये b, b का मास कितना है, कैपिटल m, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं स्मॉल m और कैपिटल m का, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या बनेगा, इसका वेट स्मॉल एम जी, टेंशन कहाँ बनेगी, ऊपर टेंशन ऊपर बनेगी, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बनेगा इसमें, फ्रिक्शन, ये कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, ऊपर, टेंडेंसी ऊपर है, इसकी टेंडेंसी नीचे की जबकि जा नहीं पा रहे, तो अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, नीचे, तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन है एफ वन, मान लो यहां फ्रिक्शन F1 है, कहां लगेगी, नीचे, ठीक है ना, यहां तक ये क्लियर है, इसकी टेंडेंसी ऊपर जानी है, जाने की है, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा F1, मैंने F1 इसलिए लिया क्योंकि यहां की फ्रिक्शन अलग होगी F2, तो यहां पे F1 नीचे, सूडो फोर्स रह गई, अब क्योंकि सिस्टम राइट मूव कर रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ, कितनी, एम में, और बदले में कैपिटल एम स्मॉल एम के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन वन, ठीक है ना, सूडो फोर्स पीछे है तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें वर्टिकल नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसमें हॉरिजॉन्टल होगा, डायग्राम क्लियर है यहां तक, उस पर भी लगेगी, उस पर अलग बनाऊंगा, अभी तो छोटे एम के लिए बनी ना, छोटे एम की टेंडेंसी ऊपर जाने की ना, तो फ्रिक्शन तो नीचे लगेगी ना इस पे, और जो कैपिटल एम है, जब कैपिटल एम की टेंडेंसी नीचे आने की है तो कैपिटल एम के ऊपर ये फ्रिक्शन कहां लगेगी, ऊपर, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक, और कैपिटल एम नीचे जा रहा है और कैपिटल एम को यहां से भी तो फ्रिक्शन मिलेगी, और ये फ्रिक्शन भी कहां मिलेगी, ऊपर, कितनी, एफ टू, और इसका वेट कितना है, कैपिटल एम जी, और टेंशन की वैल्यू कितनी है, टी, ठीक, हाँ होगी, अभी लगाऊंगा, दोनों पे सूडो फोर्स लगेगी, दोनों दबाएंगे पीछे की तरफ,
पूरा सिस्टम राइट मूव कर रहा है तो दोनों मासेस पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे ना, एमएम में अभी बनाऊंगा मैं। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? तीन चार फोर्सेस क्लियर है इस पे। नेक्स्ट जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? नेक्स्ट फोर्स लगेगी, एक तो सूडो फोर्स लगेगी, और सूडो फोर्स इसकी ऑब्वियसली पीछे लगेगी कैपिटल एम में, और बदले में ये इसको क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एन टू यहां लगेगा, एन टू जो सी ब्लॉक है इसको ये प्रेस करेगा विद सूडो फोर्स, तो बदले में क्या मिलेगा? एन टू, ठीक। और यहां से अगर दो मिनट देखें, यहां से एन वन क्यों मिला था? क्योंकि सूडो फोर्स की वजह से रिएक्शन था। और एन वन अगर राइट है, मीन्स कहने का मतलब कि कैपिटल एम ने अगर स्मॉल एम को एन वन दिया तो स्मॉल एम ने भी तो एन वन इस पर लगाया होगा सेम, तो यानी कि एक एन वन यहां भी लगेगा। जो रिएक्शन है वो इक्वलेंट क्या होता है? ऑपोजिट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल एम ने स्मॉल एम को नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो स्मॉल एम ने भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पीछे भी लगाया होगा एन वन एन वन। हाँ वो अलग बात है, एन वन इज इक्वल टू एम ए, एक ही बात है, फिर एन वन इज इक्वल टू एम ए होगा। एन टू जो रिएक्शन है वो तो इस पे, ये इस सरफेस पे है ना, एन वन इसके ऊपर है। हाँ लगाएगा, तो एन टू इसके ऊपर भी लगाएगा, पर सी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम करके क्या करोगे? उसका मास तो गिवन नहीं, क्वेश्चन ही दो ब्लॉक्स के ऊपर है, तो जो एक और एन टू इक्विवेलेंट ऑपोजिट होगा वो इस पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे इसने इसके ऊपर एन टू लगाया, इसने इसके ऊपर भी एन टू लगाया, पर इसका करोगे क्या? ये तो इसका मास ही नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो एक एन टू इसको मिला, ठीक है। यहां तक इक्वेशन बना लें। इक्वेशंस के अंदर पहली इक्वेशन क्या बनेगी? पहली इक्वेशन यहां से मिलेगी, क्या एन वन क्यों, एन वन की वैल्यू क्यों इसमें ऑरिजिनेट हुई थी? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, तो एन वन की जगह क्या होगा? एम में। हाँ लगेगी, कैप वो कह रहा है कैपिटल एम पे सूडो फोर्स होगी, लगेगी। मैंने एन टू के अंदर एडजस्ट करना है उसे, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर भी सूडो फोर्स लगेगी, मैं भी करके दिखाऊंगा। बट ये पहले फर्स्ट को देख लें एक मिनट, एन वन की जगह एम में, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, क्योंकि ये सिस्टम मूव तो कर नहीं रहा, तो t की वैल्यू किसके इक्वल होगी? f1 प्लस mg, या t इज इक्वल टू f1 इज म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg, या t इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन n1 की जगह ma प्लस mg। t की वैल्यू आ गई यहां से, ठीक। ये कह रहा है कि इसमें सूडो फोर्स ने ली, यहां पे ले लो, बोलो कहां लें? इस तरफ लें, कितनी? ये लो कैपिटल एम में। ये कह रहे हैं हम सूडो फोर्स नहीं ली, तो ये लो मैंने ले ली। कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है यहां तक? अब ठीक है, ये कंप्लीट बन गया डायग्राम। सूडो फोर्स ले लोगे तो भी ठीक, नहीं लोगे तो एक और तरीका है हमारे पास। कैसे? अगर तो सूडो फोर्स लेनी है, फिर तो आप ये कहोगे कि राइट और लेफ्ट की फोर्स बराबर है, यानी कि इधर की फोर्स कितनी है एन टू, और लेफ्ट की दो फोर्सेस कितनी है एन वन प्लस कैपिटल एम ए, बराबर हो गया। और अगर मैंने नहीं ली थी पहले, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बोलने वाला था एन टू माइनस एन वन इज एम इन टू ए, एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू एम इन टू ए, एक ही बात है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल जैसे मर्जी कर लो, सूडो फोर्स ले लो, क्योंकि उसमें भी ली है हमने, तो इसमें सूडो फोर्स कंसिडर कर ली हमने, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि राइट और लेफ्ट की फोर्स विल रिमेन सेम, यानी कि एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस एम ए, एन वन माइनस, हाँ ऐसे कर ले, ठीक है यहां तक, ठीक। और ये भी रेस्ट पे है, तो एफ टू प्लस टी प्लस एफ वन इज इक्वल टू बड़ा एम जी, एफ टू इज म्यू टाइम्स एन टू प्लस टी, टी की वैल्यू तो हमें पता है, म्यू टाइम्स एन वन इज इक्वल टू बड़ा एम जी, तो म्यू टाइम्स एन टू, एन टू की वैल्यू इज वॉट? एन वन प्लस बड़ा एम ए प्लस टी प्लस म्यू टाइम्स एन वन इज इक्वल टू बड़ा एम जी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एन वन की वैल्यू स्मॉल एम ए गिवन है, निकाल ली, कैपिटल एम ए प्लस टी, टी की जगह म्यू टाइम्स स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम जी प्लस म्यू टाइम्स एन वन की जगह स्मॉल एम ए इज इक्वल टू बड़ा एम जी। इसमें से ए कॉमन निकाल लो, सॉल्व करो, तो ए का फाइनल आंसर आ रहा है कैपिटल एम स्मॉल एम इन टू जी डिवाइडेड बाई म्यू टाइम्स
3m plus capital M. This is the final answer of acceleration. आ गया था? ठीक, समझ में आ रहा है कि ये कैसे एडजस्ट कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शंस?
देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें ये करना है कि ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, और फ्रिक्शन नीचे भी है इस बार और फ्रिक्शन यहां पर भी है इस बार, म्यू फोर्स एफ हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं एफ की वैल्यू 100 न्यूटन गिवन है और मासेस आपको 1 kg 3 kg ये भी गिवन है, आपको म्यू निकालना है सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप अलोंग द वॉल ऑफ द प्लैंक, जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ ना आए। तो इस केस में अगर कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक फोर्स कहां लगेगी, आगे की तरफ, एक फोर्स कहां लगेगी, पीछे की तरफ, कितनी फ्रिक्शन, ठीक। नेक्स्ट इसका वेट कितना एक्ट करेगा, कैपिटल एम जी नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्या एक्ट करेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे होना चाहिए, इसकी टेंडेंसी कहां गिरने की है, नीचे, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर कहां एड करेगी, ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर एड करेगी, इसके ऊपर जो इसको बचाएगी, पर इसके ऊपर फ्रिक्शन कहां एड करेगी, नीचे, तो इसकी फ्रिक्शन की फोर्स कहां एड करेगी, नीचे। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट एक और फोर्स एड करेगी, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जब ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा तो स्मॉल एम इसको क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन, और बदले में कैपिटल एम भी क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। कोई कहेगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स के इक्वली, क्योंकि एफ फोर्स से मूव कर रहे हैं ना, तो सूडो फोर्स लगेगी। अभी लूंगा उससे भी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो आपस में इनकी कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, एन एंड एन, लेट अस सपोज वेयर वेयर, अगर कोई पूछे एन की वैल्यू बताओ कितनी है, एन किसके इक्वल होगा, एम में, एन की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी इसमें, स्मॉल एम में, स्मॉल एम में, क्यों, क्योंकि सूडो फोर्स किस पे लगेगी, छोटे एम के ऊपर, और कहां लगेगी, पीछे लगेगी, तो बदले में क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन की वैल्यू क्या होगी इसमें, स्मॉल एम में, ठीक। तो इसमें छोटे एम की बात करें, स्मॉल एम, जो स्मॉल एम है उसकी उसका वेट कितना है, स्मॉल एम जी, नॉर्मल रिएक्शन छोटे एम ने इसको लगाया तो इसको बदले में कितना मिला, एन, एन, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की, तो इसकी फ्रिक्शन कहां ऐड करेगी, ऊपर की तरफ, एफ एम जी एन। ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर क्या होगी, म्यू टाइम्स एम प्लस एम इंटू जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड पे तो एम प्लस एम के साथ आएगी, टोटल मास एम प्लस एम, और यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ की वैल्यू यहां पर क्या बनेगी, म्यू टाइम्स एन, और एन किसके इक्वल है, स्मॉल एम में, स्मॉल एफ भी आ गया और एफ डैश भी आ गया। अब ये देख लो क्या सिस्टम को आपने मूव करवाना है, बिल्कुल करवाना है, बिकॉज ए एक्सलेशन से सिस्टम मूव कर रहे हैं, तो ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो ऑब्वियसली ये भी मूव कर रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो इसकी फोर्स क्या बनेगी, एफ माइनस एन, एफ माइनस एन माइनस एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ए, फोर्स माइनस एन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम इन टू ए, या फिर एफ माइनस नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या पुट करेंगे यहां पर, स्मॉल एम में, एफ डैश की जगह क्या पुट करेंगे, म्यू टाइम्स एम प्लस एम इन टू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इन टू ए, इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से एफ की वैल्यू आ गई, और रादर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो यहां से ए आ जाएगा, और ए सॉल्व करके आ रहा है, आप चेक कर लो इसमें जो ए की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके आएगी, कॉमन निकाल लेना तो ये एम प्लस एम हो जाएगा, उसकी फॉर्म में ए कैन बी कैलकुलेटेड, जो भी है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। हमने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में म्यू निकालना है, ठीक। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई, और अगर आप चाहते हो कि छोटा एम नीचे ना गिरे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, एम जी, ठीक। तो नीचे नहीं गिरेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ की वैल्यू हमने निकाली हुई है, एफ की वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स एम इंटू ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एम जी, एम से एम क्या हो गया कैंसल, म्यू टाइम्स जो भी ए की वैल्यू आएगी वो यहां पुट की जाएगी इस जगह,
जो भी ए की वैल्यू आएगी उसको उठा के यहां पुट कर देंगे यहां पे, ठीक, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ पता है, एम पता है, छोटा एम पता है, सारी वैल्यूज पता है। वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा आपके पास, म्यू आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक में ना म्यू की दो वैल्यूज आएंगी, एक टू और एक हाफ, तो टू वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मली आप देखेंगे नहीं, नॉर्मली 0.5, 0.8, 0.7, 2 इज वेरी वेरी हाई, तो ये हम रिजेक्ट करेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता 2, 3 या 10 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का होना, हाफ या 1 या, तो छोटी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, इसका आंसर हाफ आएगा। हालांकि इसके क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आए, नहीं आएगा फिर इतना, नहीं वो म्यू टू नहीं देगा आपको कभी भी।